नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल घूमो जी भरके में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों की ट्रैवल संबंधित खबरें देते रहते हैं, उसी तरह आज आपको हम बताने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन सभी खबरों को जानने के लिए पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कोरोना महामारी से पूरे देश पर दोबारा से दस्तक दे दी है। इस बीमारी की वजह से तो काफी राज्यों में बुरे हालात हैं और पूर्णतया लॉकडाउन आदि पाबंदी राज्य सरकार द्वारा लगाई गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें पहाड़ी राज्यों की यानी कि हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश अभी पूर्णतया सुरक्षित है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की रोक टोक आने जाने पर राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाई गई है। कोरोना महामारी इस देश में भी अपना विकराल रूप ना दिखाए, इसलिए राज्य सरकार द्वारा कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, जिन्हें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश की तरफ आना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों से गुजरना होगा, क्या क्या पाबंदी हो सकती हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सुनें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार द्वारा कुछ पाबंदियां और कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश सरकार से बंदिशें लगाने का फैसला दोबारा से लिया गया है। तो अंतिम बंदिशों के तहत पूरे प्रदेश में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों के घरों में विवाह या आदि समारोह का प्रोग्राम होने वाला है, उनको केवल 50 लोगों की ही अनुमति अब होगी। इसी के अलावा सभी शिक्षण संस्थान बच्चों और शिक्षकों के लिए 1 मई तक बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी दोबारा से ही ऑनलाइन पढ़ाई पर हमारे बच्चे निर्भर रहेंगे, और जबकि गैर शिक्षण से स्टाफ के लिए स्टाफ विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी करेगा। हालांकि शिक्षण संस्थान परीक्षाएं सुचारू रूप से करवा सकेंगे। इस व्यवस्था के अनुसार शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर भी पूर्णतः बंद रहेंगे। जी हाँ, अभी 7 डेज में से केवल 5 डे ही वर्किंग के होंगे और उसमें शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि सुनने में आ रहा है और अफवाहें भी उड़ रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। शनिवार और इतवार को कुछ चीज़ें बंद रहेंगे, जैसे सरकारी दफ्तर आदि। दोस्तों, इस तरह से कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया है पूरे राज्य में। ज़रूरी सामान की दुकानें और ज़रूरी राशन की दुकानें यथावत 7 दिन खुली रहेंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार दुकान बंद कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किसी भी दुकान को बंद करने की कोई भी पाबंदी किसी भी दिन नहीं लगाई गई है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आने के लिए अब हम बात करते हैं पर्यटकों की। पर्यटकों के लिए पहले की ही पाबंदी अभी भी दोबारा से लगाई गई है। जैसे अगर आप जहां पर कोरोना महामारी ने अपना विकराल रूप दिखा रखा है, वहां से अगर आप हिमाचल प्रदेश की तरफ रहना चाहते हैं आकर, तो आपको होटल में कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा आपको किसी भी बॉर्डर पर या चेक पोस्ट पर नहीं रोका जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा बसों में अंतर्राष्ट्रीय बस व अंतर जिला संचालन कुल क्षमता का केवल 50% ही सवारी बिठानी अनिवार्य हो गई है। जी हाँ, जिस प्रकार से यह अनुमति अभी दोबारा से मिली है कि आप प्राइवेट बसें हों या सरकारी बसें हों, या आप टेम्पो ट्रैवलर में नीचे से ही आ रहे हैं, तो आपको कैपेसिटी से 50% की ही सवारी बिठानी अनिवार्य है। इससे ज़्यादा आप अभी सवारी नहीं बिठा पाएंगे। सरकार के फैसले के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC ने बाहरी राज्यों के लिए बसों के रूट मर्ज करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
मंगलवार को जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी है। नए आदेशों के तहत सरकारी दफ्तरों में भी 5 डे व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। शनिवार को कर्मचारी घर से ही काम करेंगे और वर्क फ्रॉम होम रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी भी 50% ही दफ्तरों में आएंगे, जबकि बाकी वर्ग के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। इसके अलावा बहुत जरूरी सूचना कि जो लोग श्रद्धालु हैं और हिमाचल प्रदेश में किसी मन्नत के तहत या मंदिर में दर्शन करने आना चाहते हैं, उनके लिए भी 23 अप्रैल से, जी हां 23 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। मंदिरों में पूजा अर्चना रोजाना की तरह मंदिर के पुजारी ही करेंगे। शनिवार रविवार को बाजार भी अधिकतर बंद ही रहेंगे। इसके अलावा दुकानें, बाजार, व्यावसायिक स्थल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल भी शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेगा। हालांकि फल, सब्जी, दूध उत्पादक जैसे रोजमर्रा की दुकानें खुली रहेंगी। दोस्तों, अभी अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा पाबंदी या लॉकडाउन किसी भी प्रकार का नहीं लगाया गया है। अगर आप पर्यटक के रूप में दूसरे राज्यों से यहां आना चाहते हैं तो कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आप बेरोकटोक आ सकते हैं और होटल में चेक इन करके लॉन्ग स्टे भी ले सकते हैं। उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, हमें फ़ोन करके आप होटल की बुकिंग आदि के बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ नई बंदिशें और शर्तें जो कि मंगलवार को जयराम सरकार यानी कि राज्य सरकार द्वारा लगाई गई हैं, जिनका जानना आपके लिए अति आवश्यक है। किसी भी भ्रम या अफवाहों पर ध्यान ना दें और इन खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि हो सकता है ये आपके काम की ना हो लेकिन किसी के बहुत काम की हो। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली बड़ी खबरों के साथ, जो कि हो सकता है आपके लिए बहुत ही विशेष साबित हो। उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें।